गाइस, अभी सुबह के बज रहे हैं 3। पूरी रात पिछले 5.5 घंटे लगातार बारिश हुई है। बारिश नहीं, रास्ते में पूरे स्टेयर्स पे, पूरे जो रास्ता है भवन का, उसमें झरने की तरह पानी बह रहा था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, खाना भी नहीं खा पाए, ऐसे सो गए वेट करते करते। और अल्टीमेटली अब जब बारिश रुकी है, वी आर ऑल लीविंग कि माता रानी के दर्शन करके आए, अभी फिर से बारिश होना शुरू हो जाए, उससे पहले निपटाते हैं। आराम से आना भाई, बहुत स्लिपरी होगा। कल यहाँ पे रात को झरने बह रहे थे बहुत तेज। हमने ट्राई करा था कि बारिश में भी आ जाए नीचे, पर नहीं आ पाए, बहुत बहुत ज्यादा बारिश थी। मैं यहाँ तक आया था कल और यहाँ पर बिल्कुल झरना बह रहा। इसके बाद शेड नहीं है ना, तो इम्पॉसिबल था इतनी तेज बारिश में। यहाँ पे पूरा झरना ही था इसको क्रॉस करना। नीचे इतना पानी बह रहा था। नियरेस्ट शॉप अवेलेबल होगी, वहीं पे अपने शूज उतारेंगे, बैग रखेंगे और प्रसाद लेंगे वहीं से। आष्टी जय माता दी बोलो। आष्टी की तो आवाज ही नहीं निकल रही इसकी, जोर से बोलो, ऊंची बोलो, जय माता दी। आदमी क्या है, कितने वाला लेना है, 250 वाला, 500 वाला, कितना नारी भी है, सब कुछ है। ये नारी ला चुनी है, लाई का पैकेट है, प्रचार है। ये 250 का है, दो वाला है। जय माता दी। हम जा रहे हैं दर्शन करने और मोबाइल कैरी बैग और शूज वगैरह हम यहीं पे लोकल रूम में उतार के जा रहे हैं। फोन अंदर अलाउड नहीं है, तो इसलिए फोन बैग में ही होगा। हम आपसे आके मिलते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जब आप दरबार में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो मुफ्त लोकल रूम की सर्विस है यहाँ पे, जिसमें आपको ताला दिया जाता है। आपको जो भी खाली जगह मिले उसमें सामान रखिए, ताला लगाइए, चाबी लेकर साथ में जाइए और वापस करिए बाद में। शीना, दर्शन कैसे हुए? दर्शन हमारे इतने खुले हुए हैं, सबसे परफेक्ट दर्शन ये सुबह के 3 बजे वाले ही है। जाओ, पूरे रास्ते भागते जाओ, कोई आगे पीछे नहीं। फोन लेके गया था आज, इनकी लेके गया था, इसने उठा दिया हमें 2:30-3 बजे। और फिर माता रानी के दरबार पे जाके हम 2-2.5 मिनट वहीं रुके रहे हैं, हाथ जोड़ के। आगे पीछे कोई भी नहीं था, ना हमें किसी ने रोका, यहाँ खड़े होने से मस्त खड़े रहे हम। सभी बच्चों को जय करवाई, हमने भी रज के माता रानी के दर्शन किए। आप सब ने भी हमारी तरफ से, हमारे साथ आप सभी ने भी दर्शन किए। अब नीचे कमेंट में जल्दी जल्दी जय माता दी लिख दें। चलो बोलो जय माता दी। हमने पिछले 10 घंटे से कुछ नहीं खाया था, अब हम दर्शन करने के बाद आए हैं नाथू स्वीट्स पे, जो हमारे वैष्णो भवन के रास्ते में ही है। तो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना खा रहे हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं, कुछ नहीं पता। सुबह के 4 बजे, सुबह के 4:30-5 बज रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग आज हमारा खाना हो रहा है। 10 घंटे से पिछले कुछ नहीं खाया था। लोगों की शक्लें देख सकते हो आप, कि मैं सारा जूस निकले है। अब सबसे एनर्जेटिक जो भी हैं, 2 बच्चे, वो दूध पी चुके हैं, वो सेट हो चुके हैं। हमने ऑर्डर किया है खाने में दाल मखनी, शाही पनीर, साथ में हमने बच्चों के लिए ऑर्डर किया है चाउमीन नूडल्स। और हम अब खाएंगे, बहुत खाएंगे, बहुत रच के खाएंगे एकदम, क्योंकि दर्शन बहुत बढ़िया हो गए आगे। गाइस, एक कमरे की बालकनी से व्यू देखो, नीचे दरबार बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि बादल आ गए हैं, धीरे धीरे बादल झट रहे हैं। दिख रहा है आपको दरबार, दिख रहा है माता रानी का? ये हमारे कमरे की खिड़की से ऐसे दिखता था रात को भी, वहां पे लाइटें जगती हुई रात को, बहुत अच्छा व्यू था। बस अभी हम चेकआउट करने लगे हैं, आष्टी भी रेडी हो गई है। चलो सभी रेडी हैं, चलें। चलो कृषा, जय माता दी, जय माता दी। प्यारा बच्चा मेरा, जय माता दी कृषा के पापा। कृषु, कृषु, जय माता दी। कृषा
जय माता दी, मेरा प्यारा बच्चा। हम चेकआउट कर चुके हैं और अब निकल रहे हैं भैरव दर्शन के लिए। तो हमने ट्रॉली कार लेनी है और हमारा एक साथी पैदल जाने के लिए निकल चुका है। हमारे पास ये भैया हैं जो हमारे बैग उठाने में हमें हेल्प करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? पवन सिंह। पवन सिंह जी हैं हमारे साथ जो हमारे बैग्स उठाने में हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि दिल्ली के शरीरों में इतनी जान नहीं है। बाकी है देखो, ओए गंदा कर लिया उसने। और केबल कार से इट शुड टेक नॉट मोर देन 5 मिनट्स फॉर अस टू रीच देयर। पर केबल कार में जाना है, टिकट करानी है, उसकी लाइन में लगना है। और ऊपर बादल देख सकते हो, सुबह के 10:30 बज रहे हैं, 10:35 एग्जैक्टली। बहुत ही एकदम डिवाइन एक्सपीरियंस है ये। अगर हम में से कोई भी बच्चों के साथ आ रहा है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, यहाँ पर रूम की व्यवस्था देख लीजिए, रूम में आके रहिए। भागा दौड़ी हो जाती है तो ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, नहीं तो रूम में रहेंगे, यात्रा आराम से होगी। अभी हम शाम तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4-5 बजे तक आराम से हम ट्रैक करते हुए नीचे उतरेंगे कटरा में और वहाँ पर जाकर फिर स्टे करेंगे। इतना सुंदर एलिफेंट बना हुआ है, लाइटें जग रही थी रात को इसमें। भाई साहब केबल कार चल ही ना बंद हो जाए, फॉग है इतनी जल्दी। हाँ अगर फॉग हुई ना वापिस ऊपर जाना पड़ेगा, अभी ऊपर से ही नीचे आ रहे हैं। बहुत ज्यादा रश नहीं है स्पीड में यार। तो ये हम अभी रोपवे में है, भीड़ देखो रोपवे में, इसमें केबल कार में एक टाइम पे 50 जने हैं। ये मेरा काका, ये काका के पापा, ये अब गर्मी में परेशान हो गई है। ये भैरव की चढ़ाई है। आप सभी वीडियो में आएंगे। जय माता दी बोल दो एक बार सारे। जय माता दी, जय माता दी। हाजरी दे दो, हाथ ऊपर कर दो एक बार सारे। हाथ कर देंगे तो फेस ही दिखेंगे फिर। हाथ से थोड़ी दिखेंगे। चलो जी अपना अपना हाथ पहचान लेना। ये हम भैरव पहुंच चुके हैं, देखो मुखिया है, ये मुखिया है, एक के पीछे पहिए थे। तुम किसी के बच्चे को छेड़ो तो यही आएगा सबसे पहले दौड़ दूर से, इतने बड़े बड़े दांत दिखा। वापिस चल पड़े हैं। हाँ जी तीनों बच्चे प्रेम में इस बार तीनों बच्चे प्रेम। दो बच्चे एक प्रेम में, एक प्रेम में हमारा सारा बैग्स है और एक में आष्टी है। अपने आराम से चलो। क्या चार्जेस लिए चिंकी तीनों प्रेम के? 540 पर है। चलो 1620 रुपए। 1620 रुपए कहाँ तक के? कटरा तक के, बाणगंगा तक के। चलो जी ये भोजनालय हिमकोटी है और हम इधर बस लाइन में लगे हुए हैं और टी कॉफी आप कुछ भी ले सकते हो। और वहाँ पे डोसा पॉइंट है। 7, 8, 9, 10 मोस्टली यात्री जब हिमकोटी वाले रास्ते से आते हैं, यात्रा करते हैं या नीचे उतरते हैं तो यहीं पे ही रुक के डोसा वगैरह लेते हैं। अच्छा रेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है। और यात्रा की समाप्ति की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, आध कुंवारी से कटरा की तरफ। शीना और बहुत ही अच्छे और सुगम दर्शनों के बाद और ज्यादा एनर्जी से हम लोग नीचे की तरफ जाते हुए सोया हुआ करता। एक प्रेम में कृषा सो चुकी है, एक प्रेम में आशीष सो चुकी है। बाहर पूरा फॉग आ चुका है। हमने वापसी आने के लिए भी पुराना रास्ता ही लिया है, आध कुंवारी से आगे। हमारा मन था कि हिमकोटी मार्ग आपको दिखाते पर जैसा कि मौसम का हाल लग रहा है, मौसम थोड़ा सा हाथ से स्लिप होता हुआ दिख रहा है। बरसात हो सकती है, बरसात हुई तो हमारी
वापसी की यात्रा में थोड़ी कठिनाइयाँ आ जाएंगी, इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम आत्मवारी से आगे भी पुराने रास्ते पर ही जाएंगे। अच्छा, फ़र्क क्या पड़ता है? नया रास्ता आत्मवारी से नीचे हिमकोटी मार्ग 7.5 किलोमीटर, पुराना रास्ता 5.5 किलोमीटर्स। पुराना रास्ता थोड़ा हाई स्लोप में है तो थोड़ा सा टफ है, चढ़ते हुए तो हम इसी से गए थे टफ था, उतरते हुए भी थोड़ा टफ हो जाता है, स्लिपरी हो जाए तो हो जाता है। इस रास्ते में घोड़े चलते हैं आपके साथ में, इस रास्ते में पालकियाँ चलती हैं, तो वो थोड़ा सा रास्ते में अड़ती हैं, उस वजह से भी थोड़ा इशू है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड। अगर आपको शॉर्टर रूट लेना है तो ऑब्वियसली जो हिमकोटी मार्ग है नया वाला, उसमें 7.5 किलोमीटर्स पे आपको केवल पैदल यात्री, पैदल श्रद्धालु चलते हुए नज़र आएंगे, कोई भी उसमें इशू नहीं है। तो अगर मौसम खुला हुआ है या यू आर एक्सपेक्टिंग कि ओके वेदर रहेगा तो यू मस्ट इन्जॉय हिमकोटी मार्ग, और अभी हम मौसम के हिसाब से पुराने रास्ते से उतर रहे हैं। यहाँ से नीचे की 526 सीढ़ियाँ अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हो तो, नहीं तो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर की यात्रा आप डाउनवर्ड ट्रैकिंग से भी कर सकते हो। 526 सीढ़ियाँ लोग नॉर्मली जो यंग होते हैं वो ले लेते हैं क्योंकि अदरवाइज नीज में काफ़ी इशू हो जाता है, बट सीढ़ियों की व्यवस्था है अगर आप शॉर्टकट रूट से आना चाहते हैं तो। जब आप चढ़ाई उतराई करके बहुत थक जाएं तो यहाँ पे मसाज सेंटर भी हैं, अच्छे से आप अपने लेग्स की मसाज करवाएं और फिर यात्रा फिर से आप प्रारंभ करें। हर जगह बने हुए हैं 30 रुपये में 15 मिनट, तो हम भी करवाएंगे आगे तो आपको दिखाएंगे। रौनक देखो मार्केट में, 3:30 बजे चढ़ा लिए और थोड़ी संध्या होती जाएगी, 5 बज गए हैं, और संध्या होती जाएगी ना और ये लाइटें सुंदर लगेंगी और मार्केट सुंदर लगेगी। बस यहाँ से बाणगंगा 2 किलोमीटर, कह रहे होंगे बंदा बच्चे को लेके बड़ा एनर्जेटिक वापस आ रहा है, वैसे हम एनर्जेटिक वापस आ भी रहे हैं, मैडम ने बीच में जो बैटरी कार होती है वो कर ली थी, आज के बाद इसे घूम सकते हैं, बाकी सारा हमने पैदल ही किया। जाते टाइम करी थी, वापसी पे थोड़ी करी है। हाँ, वापसी में नहीं, वापसी तो पैदल ही आ रहे हैं, और हमने एक रात का स्टे भी किया था, दैट इज ऑल्सो वेरी कम्फर्टिंग, इससे भी काफी कम्फर्ट हो जाता है। मौसम देखो कभी भी बारिश होगी, हमें फटाफट पहुंचना चाहिए। हाँ, यहाँ पे गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है कटरा में ना, हाँ बहुत जल्दी बारिश आने वाली है, जल्दी जल्दी पहुंचे। अभी 6 बजे हैं और हम बाणगंगा स्नान घाट पर पहुंच गए हैं। वहाँ से आए हैं, नीचे पहुंच भी गए, कोई नहीं जाना, पहाड़ उतरने में लगे हमें
साढ़े चार से पाँच घंटे और चढ़ने में तो बस ही हो गई हमारी तो। तो हमने वहाँ दर्शनी गेट से यात्रा शुरू करी थी और इस साइड से हम आए हैं वापस और यहाँ है ऑटो स्टैंड। यहाँ से ऑटो सीधा डायरेक्ट आपको रूम में ले जाएगा।